नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी है ये मैंने बताया, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी बताया, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी बताया, ये सब पिछले के वीडियो में आप देख पाएंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड से कैसे अपने फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 5 साल बाद, मान के चलिए 5 साल बाद आपको चाहिए 10 लाख रुपए, आपको कुछ करना है। हो सकता है आपका कुछ कार लेना हो, गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, या बेटी की शादी करना हो, बेटी की पढ़ाई करना हो, बेटे का पढ़ाई करना हो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है। अब वो अचीव कैसे होगा? अचानक तो 10 लाख कहीं से नहीं आएगा, कहीं से पहाड़ टूटेगा नहीं, कहीं से खजाना मिलेगा नहीं। ये जो जुगाड़ है आपको अभी से करना होगा। अभी से आप किस तरह कर पाएंगे? तो आपको अभी से एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसे तरीके से जहां से रिटर्न आपको सेफ्टी के साथ मिले, गारंटी के साथ मिले, प्लस आपका कोई नुकसान ना हो, आपको प्रॉफिट हो ही, हर हाल में प्रॉफिट हो। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके गोल को अचीव करवाता है। अब आप एग्जांपल लीजिए कि आपको कितना चाहिए। आप एग्जांपल लिए 10 लाख चाहिए, तो आप कितना से कितना पैसा आपको सेविंग करना होगा? 10 लाख ऐसे नहीं आएगा, 10 लाख कहीं से आसमान नहीं टूटेगा, कहीं से खजाना नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 5 साल बाद अगर आपको 10 लाख चाहिए, तो अभी से आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि हमको कितना रिटर्न चाहिए और कितना पैसा लगाना है। तो एक एग्जांपल से हम पहले भी बताए हैं कि अगर 15 15 15 अगर आपको 15,000 करके 15% का रिटर्न के हिसाब से 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। 15,000 करके 15% का रिटर्न और 15 साल के लिए रिटर्न करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। अब अगर 1 करोड़ 15 साल में मिल रहा है तो आपको 5 साल 10 साल में कितना, 15,000 करके अगर करते हैं तो अगर 15% का रिटर्न पकड़ते हैं तो यहाँ पे रूल ऑफ 72 फॉलो करना होगा कि अगर आपको 10 लाख चाहिए तो कितना मंथली आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको जैसे 1 करोड़ के लिए 15,000 करके 15% के रिटर्न के हिसाब से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपका 1 करोड़ रुपया 15 साल बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 साल बाद चाहिए 1 करोड़ रुपया तो फिर कितना इन्वेस्ट करना होगा? तब आपको 15 15 15 के रूल को फॉलो नहीं करना होगा, रूल ऑफ 72 को फॉलो करना होगा। रूल ऑफ 72 क्या बताती है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना साल के लिए मिलेगा। अब मान के चलिए कि आपको जैसे 10 लाख रुपया चाहिए था आपको 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 10 लाख चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? तो रूल ऑफ 72 हम इसमें फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, अगर 15% का रिटर्न के हिसाब से 15 को डिवाइड करिए 72 से, तो 15 6 90, 15 6 होता है 90, यानी आपको अगर आप 15% का रिटर्न के हिसाब से 6 साल के लिए रिटर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 15 6 90 यानी 6 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, हर महीना आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? आपको इन्वेस्ट करना होगा कम से कम 15 6 90 हो गया, तो अब 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लिए 15 15 15 के रूल से, 15 15 15 के रूल से 15 15 15 15, तो आपको 15 साल में पैसा 1 करोड़ हो रहा है।
अगर आप उसको डिवाइड अगर थोड़ा सा कम आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 15% का रिटर्न लेंगे तो 6 साल में डबल होगा। तो इस तरह से आपको 15 15 15 रूल ऑफ 72 करके फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब बहुत तरह से कैलकुलेशन आपका बनता है कि आप कहां से कितना करके इन्वेस्टमेंट हर साल करें ताकि आपका SIP का जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो हम SIP कैलकुलेटर यूज करेंगे उसके लिए, और SIP कैलकुलेटर से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना दिन में मेरा पैसा, हम तुरंत पैसा कितना कमा सकते हैं, किस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना साल में हमको कितना पैसा चाहिए। तो हम SIP कैलकुलेटर एक खोल लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए तो ये तब सही होगा कि आपको कितना गोल चाहिए। तो मान के चलिए आपको, जैसा कि हम डिस्कस किए, पाँच साल में चाहिए 10 लाख, तो हम हर महीना इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि बहुत नियर टर्म में है। तो अगर हम 20,000 महीना बचाते हैं 5 साल के लिए, रिटर्न हम 15% ले लेते हैं, तो आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बीस हजार करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपका 5 साल में 15% का रिटर्न के हिसाब से 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और आपको मिलेगा 17 लाख रुपया, 20,000 रुपया करके 5 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं। तो इस तरह से SIP कैलकुलेटर आपका गूगल से मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से अपने गोल को निर्धारित कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आप अपना गोल को निर्धारित करिए और SIP कैलकुलेटर यूज करिए, वहाँ से आपको गोल प्राप्ति हो जाएगी, गोल कैसे मिलता है, गोल कैसे अचीव होगा और कैसे कोई कैलकुलेट करके आप SIP कैलकुलेटर आपको गूगल से मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना गोल को अचीव म्यूचुअल फंड के ज़रिए कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।